बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। और ये आप लोगों को याद होगा कि कल मैंने सब कुछ सेट किया था और रात को फिर मुस्तफ़ा खेल रहा था और हर चीज़ दोबारा से इधर उधर बिखर गई है। ठीक है, वेल, मैंने कहा आप लोगों से आज सुबह से दोबारा व्लॉग शुरू करते हैं, रूटीन व्लॉग। और जिस्म का मेरा अंग अंग दुख रहा है, कल मैंने गार्डनिंग की थी ना, जैसे मैं गार्डनिंग करूँ अगले दिन बस हिलने की हिम्मत भी नहीं होती। और ये देखें जी, एक सेकेंड, कल बारिश हो गई है। ओह, ये एक यहाँ पे रह गया। हाँ, ये रह गया है। ओह, इसको भी मैंने सोक करना है, ऑलरेडी ये तो आधा हो भी गया होगा। खैर, कल काफ़ी बारिश हुई है, काफ़ी पूरी रात ही होती रही है। सो मौसम का भी मतलब इतनी ठंड नहीं है, आप ये नहीं कह सकते कि उफ़ बहुत ज़्यादा ठंड है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हल्की हल्की वो जो ठंडी ठंडी सी हवा नहीं होती, वो जो मज़े मज़े वाली होती है, सेम वैसी ही है। तो चले जी, व्लॉग स्टार्ट करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। ये जनाब साहब भी बस अभी ही जागे हैं और आजकल पानी बहुत कम पी रहा है, पता नहीं क्यों, तो ये मेरे लिए बड़ी टेंशन की बात बनी हुई है। तो अभी मैंने इसको सबसे पहले पानी दिया ताकि थोड़ा सा पिए, लेकिन वही बात है कि नहीं पी रहा, बहुत कम पीता है, लाइक बहुत कम। तो अभी मैंने फ्रिज से ये निकाला है जी, नाश्ता वगैरह हमारा हो गया है और मैं अभी सोच रही थी कि हस्बैंड घर आते हैं तकरीबन 3 बजे तक, तो उनके लिए क्या मज़े का बनाऊँ। तो मेरा दिल था कि उनको थोड़ा सा स्पेशल खाना देते हैं। आज 4 अदद बटेरे हैं मेरे पास, इनको डिफ्रॉस्ट करते हैं और इनका करते हैं आज बारबेक्यू, वो भी बाहर। क्या कर रहे हो? तो अभी हम लोग यहाँ पे जी थोड़ी बहुत सफाई करने लगे हैं इस तरफ वाले हॉल की, थोड़ी गैलरी को मैं वैक्यूम करती हूँ क्योंकि कालीन का हशर आप देख सकते हैं। तो और यहाँ पे जो बाथरूम है ना, इसको भी क्लीन अप करना है आज। सो अभी मैं ये सारे काम करने लगी हूँ। सो यहाँ पे सारी सीढ़ियों से भी मैंने सफाई कर ली, मैंने कहा कर ही रही हूँ तो सारे ही कर लूँ। और यहाँ पर भी वैक्यूम हो गया है, बाथरूम रहता है, तो वो वाला सेक्शन तो हो गया था। अब मैं ज़रा ये गेस्ट्स वाले डाइनिंग रूम की तरफ आई थी, बहुत सारा गंद था यहाँ पर क्योंकि लास्ट DIYs मैं इधर ही कर रही थी, अभी कुछ रहते भी हैं और कुछ सेटिंग वगैरह चेंज की है। तो चले बाकी यहाँ पर वैक्यूम वगैरह मैं मारने लगी हूँ। सो आज की सफाई डन हो चुकी है, बाथरूम रह गया सिर्फ, ऊपर चलते हैं ना, मामा ने चेंज करना है क्योंकि अब मैं थोड़ा चेंज कर लूँ, फिर मैं अपने हस्बैंड का खाना बनाने लगी हूँ जो कि मैंने अभी निकाला था बटेरे, वो भी डिफ्रॉस्ट हो चुके हैं। तो मैंने सोचा कि बाकी काम कल करेंगे, जितना आज हो गया बस ठीक है। भागो 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 भागो, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, ये मेरा पैलेट है, इट्स नॉट फोन। चलो 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 नीचे, ये बच्चा जो है ना ऊपर आके मेरी सारी चीज़ें खराब करता रहता है। अब इसको तरीके भी आ गए ना, किस तरह बैठना है, क्या करना है। मैं जा रही हूँ, मैं बाय बाय, मैं जा रही हूँ, पता नहीं आता है कि नहीं आता, मैं इधर वेट करते हैं जरा इसका। और आज यहाँ की थोड़ी बहुत सफाई हुई है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। और इधर डाइनिंग रूम, मुस्तफा मैं जा रही हूँ, या अल्लाह नहीं आ रहा था ये बच्चा, और इसने अभी मेरी ये सीरम पकड़ा हुआ फेस, ये लेकर ही आ रहा था, नो 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 नो, जैसे लो ना, नो 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 नो। टीस्पून इसमें चला गया जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून भर के मैं डाल रही हूँ जी दही का, 1 टीस्पून इसमें नमक चला गया, हसबे जायका भी आप डाल सकते हैं, मुझे लग रहा है 1 टीस्पून है ना फोगा, बल्कि मैं 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम ही डाल रही हूँ। 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम सूखा धनिया चला गया, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर चला गया, 1.5 टीस्पून चला जाएगा तंदूरी टिक्का मसाला, किसी भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। और सॉरी पीछे जो शोर हो रहा है ना, मुस्तफा लगा हुआ मेरी बेकिंग की सारी चीजें निकाल के फेंक रहा है। हाँ, क्या हो गया, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल मैं इसमें डाल दूंगी, 1.5 टीस्पून, 1-2 ड्रॉप्स हम विनेगर के डाल देंगे, ज्यादा नहीं, और थोड़ा सा लेमन जूस चला जाएगा, 1/2 टीस्पून, या आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। इन सारी चीजों को अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि सारा मसाला बटेरों के साथ लग जाए, बहुत अच्छे से आप लोगों ने मिक्स करना है। मेरे पास तो ज़्यादा टाइम नहीं है, 15-20 मिनट ही मैं इसको मैरिनेट कर सकूँगी, अगर आप लोग ज़्यादा मैरिनेट करें 3-4 घंटों के लिए, तो फिर बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप होगा। तो यहाँ पर जी मैंने कोयला जला दिया है, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा कोयला जलाया है, चले देखते हैं
कोयला मुझे कम लग रहा है, इसीलिए मैं ज़रा और ले आई हूँ। अब हम और डालने वाले हैं। तो ये जी इसके ऊपर मैं डालूँगी तो इससे बहुत जल्दी आग लग जाती है, मतलब 2 मिनट में। बहुत हार्मफुल चीज़ है, बच्चों से बचा के रखनी है। ये बटेरे मैंने इस तरह से एक एक सीख में लगा लिए हैं। सीखें बहुत छोटी छोटी हैं, इसीलिए मैंने एक एक में एक एक ही लगाया है। और ऊपर से ये कौन सा बहुत बड़ी है, क्या कहते हैं इसको, हाय हाय। हस्बैंड भी आ गए हैं जी, आ जाए आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए फ्रॉग बना रही हूँ। नहीं ये तो वो लग रहे हैं बटेरे। फ्रॉग है ये, फ्रॉगी हैं। फ्रॉगी हैं। अच्छा ये नहीं कि अमेरिका ज रहे हैं तो अमेरिका की सौगात। बस थोड़ा बहुत चलता है। अच्छा थोड़ा बहुत कुछ शर्म आ जाकर। इस्लाम में पैदा हुई हो, इस्लामी घर में पैदा हुई हो और यहाँ आके तुम फ्रॉगे खिला रही हो। क्या है हाथ में, चिट्ठियां खिलाइया ने क्या ख्याल है? सरप्राइज देना था मैंने आपको। मौसम बहुत अच्छा है तो फिर खाना भी अच्छा होना चाहिए उसी हिसाब का। नहीं नहीं बहुत अच्छा है ना, मजा आएगा इंशाल्लाह। नेबर्स को भी बुला लेते हैं। चार ही तो हैं, दो आपके दो मेरे। वैसे मुझे लगता है दो तो आपके लिए कम ही है, थे ही इतने बड़े में ज्यादा बना। नहीं शेयरिंग इज केयरिंग दो। यस अगर वो भी आ जाएंगे तो वो हो जाएगा ना। क्या वाह, आपको पता है रमज़ान आने वाला है और रमज़ान से पहले हम लोगों ने थोड़ी बहुत बाहर की सेटिंग करनी है ताकि बाहर बैठ के हम अफ्तारियाँ वगैरह करें। आप क्यों धुएं की तरफ ही जा रहे हैं? तो कभी हवा इधर की आ रही है, हाँ, कभी इधर की आ रही है। अब सारा धुआं मेरी तरफ है। हाँ। सिर्फ चार ही थी आज। सच में मैं लाई चार थी। हाँ अब मैं सोच रही हूँ 2 पैकेट लाने चाहिए थे, एक पैकेट में 4 थे। मेरे बारे में नहीं सोचा आपने? नहीं मैंने आपके बारे में सोच के लाई। नहीं वो 4, अगर मेरे बारे में सोचती तो 4 ना लाती। वैसे सच मैं खुद हैरान हूँ कि मैंने पता नहीं एक ही पैकेट क्यों उठाया। ये तो इसका तो एक निवाला बनना है, एक का है ना। मैं 7 चिप्स रखती हूँ आपके लिए। 7 चिप्स? चिप्स क्या करेंगे, खाएंगे ना। क्योंकि मुझे पता है आपका पेट जो है माशाल्लाह भरने नहीं वाला। मुस्तफा इधर देखो। अच्छा ये हाँ जी क्या कह रहे हैं? मैंने कहा वो नीचे ना लगे। अब इनका चेंज करते हैं थोड़ा बहुत। ये क्या करने लगी है? एक्चुअली मैं ना ये जाली लाई थी फिश के लिए। अच्छा। पता नहीं आपको याद है कि नहीं। तो मुझसे सीखो से सही हो नहीं रहा। देखिए नीचे लग रही है, मैं नहीं चाहती खराब हो जाए। नहीं आप खराब ना कीजिएगा, लाई दो हैं आप। और वो तो मैं चाहती हूँ इस जाली के ऊपर रख के बनाऊँ ताकि आराम से जिस तरह मर्जी शेप में मैं इसको चेंज भी कर लूँ और अच्छे से बन भी जाए। क्या ख्याल है? नहीं नहीं अच्छे से बन जाएगा इंशाल्लाह। हमारी ये देखिए ये नीचे लग रहा है। हां चलो तो अब मैं इसको इस तरह से बना रही हूँ क्योंकि मुझसे सही नहीं बन रहे थे उस पर। क्या कहते हैं उनको वो जो सीखें होती हैं, हाँ सीखों पे वो नीचे लग रहे थे। और सच्ची बात है कभी बनाया ही नहीं है बटेरे सीखों पे, तो इसीलिए समझ नहीं आ रही थी क्या करें। तो अचानक जहन में आया कि जाली पड़ी हुई इसी के ऊपर। यम यम मुँह में पानी आ गया मेरा भी। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ कि सिर्फ 2 हैं तो इनका क्या होगा। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऑयल भी रख दिया है, इसके अंदर मैं बनाने लगी हूँ जी चिकन फिंगर्स क्योंकि हस्बैंड ठीक कह रहे थे ये बहुत कम है उनके लिए। तो मैंने कहा चलो जी चिकन फिंगर्स भी बना लेते हैं। पता नहीं क्या हो गया मैं अड़ रही हूँ आज। लास्ट टाइम आपने बटेरे कब खाए थे? लास्ट टाइम मजे वाले अपनी शादी पे। शादी पे दुनिया कुछ लगा हुआ है यहाँ पे, पर लगा हुआ। हाँ अपनी, और आपको पता है मैंने अपनी शादी पे मुझे याद ही नहीं पड़ता कि मैंने क्या खाया।
वैसे नॉर्मली सच में लोग कहते हैं कि लोगों को अपने शादी का खाना नसीब नहीं होता, मुझे तो नहीं हुआ, मुझे बारात वाला नहीं हुआ था लेकिन वलियों पे मैंने सारी कसर उतारी। लेकिन बारात में हम फोटो शूट करने चले गए थे ना, और बड़ा मतलब अजीब सिचुएशन थी। फोटो शूट था या प्री प्लान था कि दामाद को देना नहीं है खाना, ये तो अब अल्लाह मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। करना वली में वाले दिन भी ऐसा ही चाहिए था बारात वालों के साथ जो कि हो नहीं सका क्योंकि हम खुले लोग हैं। माशाल्लाह ले आया है जूते, एक ही लेकर आया है, दूसरा इसको शायद मिला नहीं है। मैंने इसको कहा मुस्तफा को जूते ले आओ, तो आप लोग भी मुस्तफा की छोटी छोटी क्यूट क्यूट हरकतों पे माशाल्लाह बोल दिया करें, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को बहुत जल्दी नजर लगती है और फिर ये मुझे बहुत तंग करता है बहुत ही ज्यादा। दूसरा वाला किधर है? दूसरा वाला भी नहीं लेकर आया, जाओ दूसरा लेकर आओ। Bring the second one. ये जी आपके लिए बटेरे तैयार। क्या कहना चाहेंगे, इतनी अच्छी बीवी मिली है, इसमें कोई शक नहीं है। माशाल्लाह खुशबू और लज्जत दोनों कमाल के आ रहे हैं। मेरा ख्याल है आपको ना खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। मैंने अगर स्टार्ट किया तो आपके लिए बचेगा नहीं। नहीं नहीं आप खा लें, कोई मसला नहीं, ऐसा नहीं ना, कोई मसला ही नहीं है। नहीं नहीं आपके कहने से ही दिल भर गया लेकिन फुल नहीं भरा क्योंकि ये अभी हाथ में है। बस अब ये रह गए हैं, बाकी वो तो हम लोगों ने निकाल लिए क्योंकि वो फिर काले हो रहे थे, और बस ये जैसे ही बनते हैं ना बस हम शुरू करते हैं। आपने नान गर्म करना, नान खाएंगे, नान भी खाएंगे। मेरा दिल नान भी, चाय में अंदर जाके बनाऊंगी। पहले आपकी एक्स्ट्रा मसरूफियात, पहले आप खाना। आज सच में मैं चाय भूली हुई थी, मेरे जहन में ही नहीं था चाय। अगले दिन खाना भूल गई थी, चाय भूल गई। कौन सा खाना? आहिस्ता आहिस्ता लगता है इतना ही शिनवारी का होटल खोली है आप। कौन सा? अच्छा वो जो मैंने थोड़ा लेट कर दिया था। अस्तगफिरुल्लाह, लेट करते करते भूल भुलैया, अच्छा नहीं ना, है ना, 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 ना। आपकी सेहत माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, वो तो रब की तरफ से मिली है ना विरसे। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा नहीं है, पता है कि आप जब तक खाना खाएंगे ना, और खाने के बाद चाय का ज्यादा मजा आता है। वो जो नहीं होटल में जो लोग खाने के बाद कहते चाय ले, फिर मैं चाय लेकर आऊंगी सोनी जी चाह। और दानिश अवान साहब हमारे मतलब आज भी गिला कह रहे थे कि आप पंजाबी में व्लॉग क्यों नहीं बना रहे, तो आप मुझे बताएं कि हम कब बनाएं। बादशाह देसी बनने हैं जिला खेस, वो तो बेचारे कब से कह रहे हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं कहा। दानिश भाई कब से कह रहे हैं, मैं उनको रोज कहती हूँ अच्छा चले भाई अगली दफा चले इंशाल्लाह लाइक कमिंग डेज में हम एक फुल पंजाबी व्लॉग करेंगे, मैं भी पूरा पंजाबी बोलूंगी और आप भी, ठीक है, कोई मसला नहीं। देसी बनने हैं हम तो, बोलते ही पंजाबी, हालांकि हम मतलब ग्रो अप जो है यहाँ पे हुए हैं लेकिन हमने फिर भी जो है ना अपनी लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज, अपना हंसी मजाक, अपना सारा कुछ मतलब कभी हम भूले नहीं है। और इंशाल्लाह मरते दम तक अगली पीढ़ी को भी यही सिखाएंगे कि हम पंजाबी हैं और पंजाबी हैं। किधर से गमला उठा के ले आए अपने सामने, तो भारी मुस्तफा, ये तो बहुत भारी है माशाल्लाह। अच्छा वो साथ ही जाएगी ये कुर्सी, तो इसकी थी फेवरेट है माशाल्लाह। याद है जब मैं लेकर आई थी तब बहुत छोटा था तो इतना ये नहीं बैठा था। क्या बात है, वाह इतना उसने तंग किया, आई मीन तंग रखा है कि ओ मुस्तफा ये यहाँ पे काफी देर से खड़े हुए। मैं इनको कह रही हूँ बैठ जाएं कहीं चले जाएं, वो बल्कि चेयर भी है यहाँ पे, मैंने इनसे कहा बैठ जाएं, कहते देख रहे हैं इन्हीं चीजों को। नहीं वो मैं देख रहा हूँ, मैं मतलब नोट कर रहा हूँ कि काफी अच्छा बन रहा है सब कुछ। हाँ, माशाल्लाह। और बटेरे जो हैं नरम गरम, नरम नरम और गरम गरम जो है ना, जूसी मीट उनका सामने है मेरी आंखों के सामने। हाँ। तो बस कभी मैं उनको देख रहा हूँ और कभी मैं चिप्स को देख रहा हूँ। चिप्स नहीं है, फ्राइज है, आई मीन चिकन फ्राइज है। अच्छा आप ये पकड़े, आपका नान मैं लेकर आती हूँ। ओके आज तो मजे ही मजे। तो ये देखिए जी यहाँ पे आज हम नान भी गर्म कर रहे हैं ताकि कोयलों की खुशबू जरा नान में भी आ जाए। कैसा? वाह ऊपर बटर लगाया, ऊपर बटर भी लगाना? नहीं वो बटर के बगैर तो क्रंची नहीं होता, मजे वाला। चलें आप दो मिनट रुके मैं लेकर आता हूं। ओके मुस्तफा साहब क्या कर रहे हैं सर, क्या बात है मुस्तफा, अर्ली स्टेज में ही आपने ये काम शुरू कर दिया है और साथ में आवाजें भी निकाल रहे हैं क्योंकि काम बड़ा है और ये खुद छोटे हैं, तो शायद इसी वजह से जब इनको गुस्सा आ जाता है तो ऐसी आवाज़ें निकालते हैं। क्या, क्या,
क्योंकि छोटी सी उम्र में इनको बड़े काम करने का शौक है। क्या कुछ सकते नहीं है, बस घूम घूम गुस्से वाली आवाजें बाहर निकालते हैं। दूसरे के ऊपर लगाते हैं बटर। हम लोग ये वाले नान अक्सर यूज करते हैं चटपटी चीजों के साथ, तंदूरी नान। नहीं वो सही कह रहे हैं। इसके ऊपर भी हल्का हल्का हम सर बटर लगाएंगे। ठीक हो क्या? ठीक हो गया बिल्कुल जी। हल्की हल्की फूंक में हल्का हल्का टक टक बालू। इधर भी अब हम लगा दें दोनों साइड्स पे। लगता है काफी वेट हो गया है, अब आहिस्ता आहिस्ता इनको टेबल पे ले आएं। मेरे ख्याल से आप शुरू हो जाएं, बस कि मैं ये निकाल कर आती हूं। ओके उधर। सामान वगैरह मैं अंदर ले आई थी और ऐसा है कि हस्बैंड और मुस्तफ़ा दोनों सो गए हैं और मैं यहाँ पे रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं फिर जैसे ही वो दोनों सोए तो मैंने कहा अच्छा मौका है एक और वीडियो शूट कर लेते हैं। मैंने एक DIY प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए शूट किया। DIY प्रोजेक्ट मोस्टली मैं जब मुस्तफ़ा सो रहा होता है ना तो उसी टाइम पर शूट कर रही होती हूँ, क्योंकि वो फिर मुझे तंग करता है और उसमें चीज़ें ऐसी होती हैं जो ख़राब हो जाएँ टूट जाएँ तो उसका भी बड़ा प्रॉब्लम बनता है। खैर मैंने सोचा कि आप लोगों से अब अल्लाह हाफिज़ कहते हैं, तो अल्लाह हाफिज़ करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से जाएं रेड सब्सक्राइब बटन दबाएं एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को वीडियो का लाइक नोटिफाई हो जाए कि मिस जी ने वीडियो अपलोड कर दी और आप लोग जल्दी से देख लें। ठीक है मैं देखती हूँ अब TV, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। आप लोग मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैं आऊँगी एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक आप लोगों ने दुआ में याद रखना है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफिज़।